देखते रहिए यूबीएन जीरो एट बीनागंज से धर्मेंद्र उप्रेती की रिपोर्ट। बीनागंज के वार्ड क्रमांक 14 में राकेश बैंड वाले की गली में रहने वाले युवक की कुछ दिन पूर्व डॉक्टर टिंकू वर्मा बीएमओ को दिखाने पहुंचा था, जिसके लक्षण देखने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुना आइसोलेशन वार्ड भेजकर जिसकी सैंपलिंग की थी। रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रशासन अमले ने राकेश बैंड वाली गली को कंटेनमेंट जोन बनाया। 29 मकानों के करीब 500 लोगों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया। कोविड-19 के चलते पूरी सतर्कता बरती गई। कंटेनमेंट एरिया परमाल भील से बाबूलाल साकबार और लक्ष्मी नारायण साकबार रहमान भाई तक के मकानों को कंटेनमेंट जोन की घोषणा की। देखते रहिए यूबीएन जीरो एट। पूरे कंटेनमेंट एरिया को सैनिटाइज कराया जाएगा नगर पालिका की टीम के द्वारा। आप लोगों के जो दैनिक सामान की जरूरतें हैं उनके लिए प्रत्येक घर के बाहर नगर पालिका हेल्थ टीम और पुलिस के द्वारा एक सूची चिपकाई जा रही है, जिसमें लोगों के नंबर रहेंगे। आपकी कोई भी समस्या है या कोई चीज मंगाना है, सामान मंगाना है, आप उस नंबर पर फोन कर देंगे तो कंटेनमेंट जोन के बैरिकेड के पास आपको वो सामान प्राप्त हो जाएगा। किसी भी सामान के लिए आपको जो नंबर दिए जा रहे हैं अभी लिस्ट तैयार होके आपके घरों पर चिपक जाएगी। उस लिस्ट वाले नंबरों पर फोन करेंगे तो आपको बैरिकेडिंग के पास नगर पालिका या संबंधित विभाग का कर्मचारी आपको वो सामान दे देगा। आज बीनागंज में वार्ड क्रमांक 14 में जो निकला है पॉजिटिव मरीज, वो किस प्रकार मालूम चली आपको? ये व्यक्ति 30 जून को शाम को लगभग 5 बजे मेरे घर आया था दिखाने के लिए जी। तो चूँकि मैं घर पे मरीज नहीं देखता हूँ तो इसको हम लोगों ने अपने सरकारी अस्पताल में ले गए, बगल में है। वहाँ मैंने इसको देखा तो इसके जो लक्षण थे वो लगभग कोरोना से मिलते थे। इसको सांस लेने में हल्की तकलीफ थी और इसका एसपीओटी भी 90-88 आ रहा था। तो हम लोगों ने इसको ऑक्सीजन दे के और जो भी सिम्टोमेटिक आईवी ट्रीटमेंट होता है वो शुरू किया। पेशेंट को स्टेबल किया हमने, पेशेंट लगभग बहुत अच्छी स्थिति में हो गया था। उसके बाद हमने सारी इसकी जो फैसिलिटी थी इसके परिजनों को समझाई और उनको बताया कि इसको गुना रेफर करना पड़ेगा। तो परिजनों द्वारा जिद की गई कि हम इसको अभी नहीं ले जाएंगे, सुबह ले जाएंगे। तो इस संबंध में उसे उसकी पूरी गंभीरता और खतरे के बारे में बताया तो फिर ये मरीज गुना भर्ती हो गया था। तो गुना में फिर इसका कोरोना का सैंपल लिया गया होगा कोविड-19 का, तो वो कल आज सुबह हमें जानकारी मिली कि पॉजिटिव आया है। अच्छा, चूँकि ये 25 तारीख को गुना में किसी अस्पताल में दिखा के आया था, वहाँ इसके एक्सरे और जांच वगैरह भी हुए थे। तो इसके चलते आज हमने ये जो गली है राकेश बैंड वाली, एसडीएम महोदय और सीएमओ महोदय के सहयोग से उसको क्वारंटाइन किया है और कंटेनमेंट जोन घोषित किया है और आगे की सैंपलिंग हम लोग यहाँ से। अभी जो परिवार के हैं कितने लोगों को सैंपलिंग हो चुकी है? देखिए, इसके दो बेटे हैं और दोनों अलग अलग घर में रहते हैं और ये जो दंपत्ति है जो पॉजिटिव आए हैं वो अलग घर में रहते हैं। तो चूँकि इनके पिताजी हैं तो संभवतः इनका आना जाना रहा होगा, तो उसकी परिस्थितियों को देखते हुए हमने दोनों बेटों के घरों के और बच्चों के जो साथ में ज़्यादा रहे हैं इनके सैंपल लेने का निर्णय लिया। को मिला है क्या मामला है? जो संक्रमित व्यक्ति है उसकी तबीयत खराब थी, तो अभी 3-4 दिन पहले वो 3 दिन पहले डॉक्टर साहब के यहाँ दिखाने आया था। तो उनको उसके बाद में लक्षण ऐसे प्रतीत हुए थे कि वो पेशेंट हो सकता है, तो उन्होंने उसको गुना रेफर कर दिया था। रेफर के बाद चूँकि उसकी जब टेस्ट किया गया गुना में, तो आज सुबह हम लोगों को पता चला कि वो पॉजिटिव निकला है। और चूँकि वो व्यक्ति, उसने बताया कि पिछले 4-5 महीने से कहीं काम पे नहीं जा रहा था, बैंड बाजे का काम करता था। तो उसी तारतम्य में हम लोगों ने अभी जो उसकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की है उसके हिसाब से, नए मानकों के हिसाब से कंटेनमेंट जोन अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है। कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश जारी हो जाएगा। प्राइमरी तौर पर जैसा आप देख रहे हैं इस एरिया से लेके इस पूरी गली को, इसको क्या गली का नाम क्या है? राकेश बैंड वाली गली।